हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू मोहन सर की क्लास। तो आज हम यहाँ पे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। फिफ्थ स्टैंडर्ड के मैथ में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना नया प्रॉब्लम सेट 4। प्रॉब्लम सेट 3 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से हमने इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हमने किस में कन्वर्ट किया था, वर्ड्स में कन्वर्ट किया था। और कुछ नंबर वर्ड्स में दिए गए थे, हमने उसको किस में कन्वर्ट किया था, नंबर्स में कन्वर्ट किया था। तो उसी की तरह सेम यहाँ पे भी हमें करना है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये डिफरेंट होगी कि पिछले जो प्रश्न संग्रह मतलब पिछले जो प्रैक्टिस सेट है वहां पर हमने लाख तक के नंबर पढ़े थे, मतलब लाख तक के नंबर पढ़े थे। लेकिन इस प्रश्न संग्रह में थोड़ा सा हमें एक स्टेप और आगे जाना है, मतलब हमें 10 लाख तक जाना है, मतलब 10 लाख तक यहाँ पे हमें संख्याएं दी गई होगी, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी प्रश्न संग्रह मतलब ये भी प्रॉब्लम सेट जो है वो प्रॉब्लम सेट की तरह क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना देखते हैं प्रॉब्लम सेट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, रीड द नंबर्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। मतलब ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर्स को हमको क्या करना है, रीड करना है, और रीड करने के बाद इसको किस में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। इसे मैं हिंदी में भी बता देती हूँ कि हमें यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं इन संख्याओं को हमको किस में लिखना है, अक्षरों में लिखना है, पहले इन संख्या को पढ़कर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया हुआ है, हमें इस तरह से हमें ये नंबर्स दिया गया है और इसे क्या बोला गया है, इस नंबर को कन्वर्ट करना है हमको वर्ड्स में, मतलब ये जो अंकों में संख्या दी गई है इस संख्या को हमको अक्षरों में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना जो लॉजिक हमने पिछले प्रश्न संग्रह मतलब पिछले एक्सरसाइज में हमने जो लॉजिक सीखा था हम वो लॉजिक एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या बताया था, हम इसे इसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसे रीड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या आता है, यूनिट, उसके बाद आता है टेंस, उसके बाद में 100, उसके बाद में 1000, उसके बाद में 10,000, उसके बाद में लैक्स। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 लैक्स तक का नंबर दिया गया है, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स और 10 लैक्स। तो यहाँ पे लैक के बाद और एक क्या बढ़ जाएगा, 10 लैक्स का कॉलम बढ़ जाएगा। तो चलिए हम पहले इसको इसकी वैल्यू बना देते हैं। इस तरह से हमने ये कॉलम ड्रॉ कर लिया है, अभी जैसे हमने इसे इंग्लिश में देखा उसी तरह से हम इसे हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इकाई, उसके बाद में दहाई, उसके बाद में सैकड़ा, उसके बाद में हजार, उसके बाद में 10,000, और उसके बाद में लाख, और लास्ट में हमारा 10 लाख। ठीक है, इस तरह से हमने ये कॉलम बना लिया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे यूनिट में कौन सा नंबर है, यूनिट मतलब इकाई में हमारी कौन सी संख्या है, 9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिट के कॉलम में मतलब इकाई के कॉलम में 9। उसके बाद टेंस में क्या है, टेंस में भी 9 है, तो टेंस मतलब दहाई में भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद 100 मतलब सैकड़ा, 100 मतलब सैकड़े की जगह पे कौन सा नंबर है, 8, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 8। उसके बाद में हम आते हैं 1000 पे, 1000 मतलब हजार, हजार पे कौन सा नंबर है, 9, तो लिख दिया हमने 9। उसके बाद में हम आते हैं 10,000 पे, 10,000 मतलब 10,000, 10,000 के नंबर पे कौन सा नंबर है, 7, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 7। उसके बाद लाख पे हमारा है 5, मतलब लाख पे 5 है तो 5 लिख दिया। और लास्ट में हमारा 10 लाख मतलब 10 लाख पे कौन सा नंबर है, 2, तो हमने इसे 2 लिख दिया। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही हमने ये जो लॉजिक है ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, अपने पिछले प्रॉब्लम सेट में। ये जो लॉजिक है ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, अपने पिछले के प्रश्न संग्रह में मतलब पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने पढ़ लिया था। तो ये अभी आपको एकदम इजीली आ जाता होगा। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया था हमेशा टेंस और यूनिट को मिला के पढ़ना पड़ता है, टेंस और यूनिट को मिला के पढ़ा जाता है, मतलब दहाई और इकाई को मिला के पढ़ा जाता है। उसी तरह से 10,000 और 1000 को मिला के पढ़ना हमने सीखा था, मतलब 10,000 और हजार वाली संख्या को मिला के पढ़ना हमने सीखा था। अब उसके आगे 10 लाख तथा लाख की मतलब 10 लाख और लाख की जो नंबर्स होंगे उसको भी हम क्या करेंगे, मिला के पढ़ेंगे। अगर आपने जैसे कि पिछले प्रश्न संग्रह में देखा था, अगर यहाँ पे 10 लाख नहीं था तो लाख को हम सिंगल ही पढ़ते थे, उसी तरह से अगर यहाँ पे 10,000 नहीं रहता तो हम 1000 को सिंगल ही पढ़ते थे। लेकिन
अगर 1000 के साथ 10,000 दिया है तो मिला के पढ़ेंगे, लाख के साथ 10 लाख दिया है तो उसे भी मिला के पढ़ेंगे, मतलब हजार के साथ अगर 10,000 की संख्या दी गई है तो वो मिला के ही पढ़ी जाएगी, उसी तरह से लाख के साथ अगर 10 लाख की संख्या दी है तो वो भी क्या होगी, मिला के पढ़ी जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो इसे कैसे पढ़ा जाएगा, 10 लाख का हो जाएगा 20, 20 प्लस 5, 2 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 25, तो लिखेंगे यहाँ पे 25। उसके बाद में क्या है, लाख की सं लाख का नंबर है तो आ जाएगा लाख, हो गया 25 लाख। अब ये लाख का नंबर हमारा खत्म हो चुका है, इतने को अब आप भूल जाओ। अब बढ़ते हैं यहां से, अब यहां पे 10,000 है, यहां पे 1,000 है, तो 7 और 9 मिलके क्या हो जाएगा 79, तो यहां पे लिख देंगे 79। अब 79 कौन से में इसमें है, 1,000 में है, तो इसके आगे आ जाएगा 1,000, हो गया इसके आगे 1,000। चलिए अब 1,000 का भी नंबर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं 100 पे, 100 में हमारा कौन सा नंबर है 8, तो यहां पे लिखेंगे 800, राइट। 100 के बाद मैंने आपको बताया था हमेशा 100 के बाद क्या लगता है, एंड, तो यहां पे लिख दिया हमने एंड, और 100 भी खत्म हो गया हमारा। अब क्या आता है, टेंस और यूनिट, तो टेंस और यूनिट मतलब 9 और 9 मिलके क्या हो जाएगा 99, तो यहां पे हम लिख देंगे 99। आया सभी को समझ में, तो ये देख लिया आपने कितना इजी है, हमने ये जो टेबल बना के हमने जिस तरह से बनाया है उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली रीड कर सकते हैं। अब इसी को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। अभी यहां पे 2 और 5 है, 2 और 5 मिलके कितना हो जाता है, अब बोलोगे 7 होता है, वैसे नहीं, हमको जोड़ना नहीं है यहाँ पे, हमको मिला के संख्या एक साथ पढ़नी है, तो 2 और 5 हो जाएगा कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। अभी कौन सी संख्या है, लाख वाली संख्या है, तो इसके आगे क्या लगेगा लाख। चलिए अब लाख वाली संख्या हमारी खत्म हो गई, अब आते हैं हजार वाली संख्या पे, तो हजार वाली संख्या में 10,000 पे 7 है और 1,000 में 9 है, तो 7 और 9 को क्या पढ़ा जाएगा 79, 79। उसके आगे क्या लगेगा, कौन सी संख्या है, हजार वाली संख्या है, तो इसके आगे लिख जाएगा 1,000, 79,000, तो 79,000 वाला भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सैकड़े पे, सैकड़ा मतलब कितना होता है 8, सैकड़ा मतलब सैकड़े में क्या आ जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 800, हो गया 800, सैकड़ा का भी हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं दहाई और इकाई पे, दहाई इकाई मिला के पढ़ी जाएगी, तो 9 और 9 को अगर एक साथ लिखेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा 99, 99। समझ में आया सभी को, तो इसी तरह से हमने पढ़ा, हमने ये टेबल बना लिया, टेबल बनाने के बाद हमने क्या किया, लाख और 10 लाख वाली संख्या को मिला के क्या पढ़ा 25, तो हो गया वो 25 लाख। उसी तरह से हजार में हमने 7 और 9 को मिला दिया तो क्या हो गया 79,000। उसी तरह से 8 में 8 होता है सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है 100, तो कितना हो गया 800। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, दहाई इकाई को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 99। तो समझ में आया सभी को ये। चलिए अब इसी के बेस पे हम अगला सवाल भी करते हैं। अब अगला सवाल अगर आप देखोगे तो इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि अब जो भी नंबर्स है वो इतने इजी है कि आप खुद से भी उसे बना सकते हो। तो चलिए अब हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 9 वाला सम्स ले लिया, 9 वाला जो नंबर है वो क्या लिखा हुआ है इस तरह से, इस तरह से हमको ये नंबर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे उसे, यूनिट से, लिख दिया मैंने यहाँ पे यूनिट, टेंस, 100, 1,000, 10,000, लाख और 10 लाख, ये हमने इस तरह से कॉलम बना लिया। चलिए अब इसे हिंदी में भी देख लेते हैं, यूनिट क्या हो गया हमारा इकाई, ये हो गया दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गया हमारा लाख, और ये हो गया हमारा 10 लाख, ठीक है।
तो चलिए अब हम क्या करते हैं, नंबर्स एक एक नंबर उठाते हैं और उसके प्लेस वैल्यू पे मतलब उसकी जगह पे उसे रखते जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यूनिट में क्या है, जीरो, मतलब इकाई में जीरो है तो हमने लिख दिया यहाँ पे जीरो। उसके बाद में दहाई में भी जीरो है मतलब टेंस में भी जीरो है तो जीरो लिख दिया। उसके बाद में हंड्रेड मतलब सैकड़े में भी जीरो है तो इसको भी जीरो लिख दिया। उसके बाद हजार मतलब थाउजेंड, थाउजेंड में कितना नंबर दिया गया, वन, तो हम लोग थाउजेंड मतलब हजार के कॉलम में लिख देंगे वन। अभी टेन थाउजेंड, टेन थाउजेंड में हमें क्या दिया है, जीरो, मतलब दस हजार की जगह पे हमें जीरो दिया है तो जीरो लिख देंगे। अब लाख, लाख मतलब लाख, लाख वाली संख्या पे हमें क्या दिया हुआ है, जीरो, जीरो नंबर दिया है तो हमने लाख में जीरो लिख दिया। और टेन लाख मतलब दस लाख, दस लाख पे हमें क्या दिया है, टेन लाख पे एट दिया है तो हमने यहाँ पे एट नंबर लिख लिया। तो अभी हमारा, हमने उसको प्लेस वैल्यू दे दी। चलिए अब उसे काउंट करते हैं, तो टेंस और यूनिट को मिलाया जाएगा, फिर टेन थाउजेंड और थाउजेंड को मिला के पढ़ेंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा, टेन लैक्स और लैक को मिला के हम पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे टेन लैख में एट है और एल में जीरो, मतलब टेन लैख में हमारा एट है और लैख में जीरो है, तो एट और जीरो मिलके क्या पढ़ते हैं हम उसे, एट्टी। तो यहाँ पे लिख देंगे एटी। अब एटी कौन सा नंबर, लैख का नंबर है तो यहाँ पे आ जाएगा लैख, एटी लैख हो गया हमारा लैख का नंबर, खत्म। अब इसे भूल जाओ। अब टेन थाउजेंड और थाउजेंड को देखेंगे, टेन थाउजेंड और थाउजेंड में यहाँ पे जीरो है यहाँ पे वन है, तो जीरो और वन को अगर साथ में लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वन पढ़ेंगे, टेन पढ़ेंगे, वन पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि वन के पीछे अगर जीरो होता है तो वो टेन पढ़ाता है, लेकिन वन के आगे अगर जीरो है तो वो क्या पढ़ा जाएगा, वन ही पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ वन। अब वन किसका नंबर है, थाउजेंड का है, तो यहाँ पे लिख देंगे थाउजेंड, एटी लैख वन थाउजेंड। चलो थाउजेंड तक हमारा खत्म हो गया। अब आगे हंड्रेड में कोई नंबर्स है, नहीं दिया है कोई नंबर्स, वैल्यू ही नहीं दी है उसकी तो नहीं लिखेंगे। टेंस में है कुछ, यूनिट में कुछ है, नहीं है, तो इसके आगे कोई भी नंबर्स कोई भी वैल्यू दी ही नहीं है तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एटी लैख वन थाउजेंड, समझ में आया सभी को। अब इसी को हम हिंदी में देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, हमारी 10 लाख में 8 है और लाख में 0 है, तो 8 और 0 मिलके क्या हो जाएगा, 80। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 80। अब ये 80 किसका है, लाख का है, तो उसके आगे लग जाएगा लाख, मतलब 80 लाख। चलिए अब लाख की संख्या हमारी खत्म हो गई, अब आते हैं हजार की संख्या पे। अब 10,000 में 0 है और हजार में 1 दिया हुआ है, तो 0 और 1 को साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। और ये किसका नंबर है, हजार का है, तो इसके आगे लग जाएगा हजार, हो गया हमारा 1,000। अभी हजार के बाद अगर आप देखोगे, सैकड़े में कोई नंबर नहीं दिया है, जीरो दिया है तो उसको नहीं लिखेंगे, दहाई में भी कोई नहीं है, जीरो है तो नहीं लिखेंगे, इकाई में भी कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो हमारा उत्तर सिर्फ इतना आएगा, 80,01,000। समझ में आया सभी को। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन कुछ और देख लेते हैं, वैसे तो सारे के सारे सेम ही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन, जिसमें अगर आप देखोगे तो पूरा 9999 ही दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन हमारा इस तरह से दिया हुआ है हमें। तो चलिए सबसे पहले हम अपना लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे, यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख और टेन लाख, इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसी को हम हिंदी में भी देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10,00,000, हो गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, ये नंबर को उठा के उसकी जगह पे रखते हैं। तो चलिए सबसे पहले यूनिट मतलब इकाई में क्या है, 9, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 9। उसके बाद में टेंस मतलब दहाई में क्या है, 9, तो यहाँ पे लिख दिया 9, 9। यहाँ पे सैकड़ा मतलब 100, 100 में क्या है, 9, यहाँ पे लिख दिया 9। उसके बाद में थाउजेंड मतलब हजार पे भी क्या है, 9, तो यहाँ लिख दिया हमने 9। टेन थाउजेंड में भी 9 है मतलब 10,000 में भी 9 है, 9 लिख दिया। लाख में भी 9 है मतलब लाख में 9 है, 9। उसके बाद में 10,00,000 में भी 9 है तो 9, मतलब 10,00,000 में भी 9 है। तो चलिए अब हम इसे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंस यूनिट का जोड़ी बना लेते हैं
उसके बाद में 10,000 और 1,000 की जोड़ी बना लेते हैं और लास्ट में हमारा 10 लाख और लाख की जोड़ी बना लेते हैं। तो चलिए 10 लाख में 9 और 9, ये दोनों 9 और 9 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा वो 99। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 99। अब ये 99 किसका है, लाख का है, तो यहाँ पे आ जाएगा लाख, 99 लाख हो गया हमारा। चलो लाख का हम खत्म कर दिए तो लाख को अभी भूल जाते हैं। अब आते हैं थाउजेंड्स पे, थाउजेंड में भी 9 और 9 मिलके कितने बन जाएंगे, 99। तो लिख दिया हमने यहाँ पे 99 हो गया हमारा ये। अब 99 किसका है, थाउजेंड का है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, थाउजेंड लिख दिया हमने थाउजेंड। अब थाउजेंड के नंबर्स भी खत्म हो गए, इसको भूल जाओ। अब आते हैं हमारे हंड्रेड पे, हंड्रेड में हमारा क्या है 9, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 900 हो गया हमारा 900। हंड्रेड भी खत्म हो गया, उसको भी भूल जाओ। अब आते हैं हमारी जोड़ी पे, टेंस और यूनिट पे, 9 और 9 मिलके क्या हो जाएगा 99। हो गया, समझ में आया सभी को। सिर्फ हमको ये लॉजिक ध्यान में रखना है, ये लॉजिक और ये जोड़ियां, ये अगर आप ध्यान में रखोगे तो इजीली आप उसे क्या कर सकते हो, वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब इसी को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 10 लाख में 9 है और लाख में 9 है, तो 9 और 9 मिलके कितना हो जाएगा 99। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 99। अब 99 किसकी है, लाख की है, तो यहाँ पे आ जाएगा लाख, 99 लाख। अब फिर आते हैं हम 99 लाख वाली संख्या हमारी खत्म हो गई है। अब आते हैं हजार वाली संख्या पे, तो 10,000 में क्या है 9 और 1,000 में भी कितना है 9, तो 9 और 9 मिलके कितना हो जाएगा 99। तो लिखेंगे 99। अब ये 99 किसका है, 1,000 का है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,000 हो गया हमारा 99,000। अब 1,000 भी खत्म हो गया। अब आते हैं सैकड़े पे, सैकड़ा मतलब होता है 100, 100 में कौन सा है 9, तो कितना हो जाएगा 900। 100 का भी संख्या खत्म हो गया। अब हमारा बचा है दहाई और इकाई, दहाई इकाई को हमको मिला के पढ़ना है, तो 9 और 9 मिलके कितना हो जाएगा 99, तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 99। समझ में आया सभी को? तो ये जो है इसमें आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लॉजिक जो मैंने आपको टेबल बना के दिखा, ये टेबल आपको ध्यान में रखना है और यहाँ से सिर्फ नंबर उठा के सही जगह पे उसको रखना है। एक बार आपने नंबर उठा के सही जगह पे रख लिया और उसकी इस तरह से जोड़ियां बना ली, तो अपने आप उसको आप लिख सकोगे वर्ड्स में, मतलब अक्षरों में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे मैंने आपको टोटल 3 सवाल बता दिए हैं, 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, बाकी के भी सेम इसी तरह से ही है। तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन आपको सिखा दिए, बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको होमवर्क करना है सेम इसी के बेस पे। आया सभी को समझ में? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें कुछ प्लेसेस के नंबर दिए, प्लेस दिए गए हैं, जैसे पुणे हो गया, अहमदनगर हो गया, नासिक, औरंगाबाद, सिंधुदुर्ग, नागपुर, यवतमाल, ये हमको कुछ जगह के नाम दिए गए हैं और उनके आगे कुछ हमको नंबर्स दिए गए हैं। अब वो नंबर्स क्या है देख लेते हैं। गिवन बिलो आर द डिपॉजिट्स मेड इन द वुमेन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, मतलब यहाँ पे जो नीचे आपको नंबर्स दिए गए हैं ये डिपॉजिट अमाउंट है, मतलब जमा राशि है। किसकी जमा राशियां हैं, एक महिला की कोऑपरेटिव, महिलाओं की कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की है और वो कुछ जिले के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो रीड दोस फिगर, तो क्या करना है, जो हमको ये फिगर दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है, इसको क्या करना है, हमको रीड करना है और रीड करने के साथ साथ हमको किस तरह से इस तरह से वर्ड में कन्वर्ट करके लिखना भी है। मतलब ये जो हमको अंकों में संख्याएं दी गई हैं, इन अंकों की संख्याओं को हमको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको क्या करना है, अक्षरों में बदल के लिखना है। तो चलिए इसमें से भी हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सेम इसी की तरह है जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है ना, रीड करके हमने उसे कन्वर्ट किया है, उसी तरह से ये भी क्या है, रीड करके हमको कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसका भी हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हमें फर्स्ट दिया हुआ है पुणे, और पुणे के आगे नंबर हमको लिख के दिया गया है ये, और ये दिया हुआ है रुपीज में, राइट? आप देख सकते हो यहाँ पे
आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इस तरह का जो साइन दिया होता है ये कौन सा साइन होता है, रुपीज का साइन होता है, मतलब रुपए। तो चलिए अब देखते हैं पुणे में जो डिपॉजिट अमाउंट है वो कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, टेबल वाला लॉजिक लगा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा टेबल वाला जो लॉजिक हमने सीखा था वो लगा लेंगे। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख और टेन लाख हो गया। मतलब यहाँ पे हो गया हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख और यहाँ पे आ जाएगा हमारा दस लाख हो गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, ये नंबर्स को उठा के इनकी प्लेस वैल्यू पे मतलब जगह पे रखते हैं। अभी यूनिट में कितना है, एट, तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिट में एक, मतलब इकाई के स्थान पे आठ आ जाएगा। उसके बाद में टेंस, टेंस में जीरो है, मतलब दहाई में जीरो है, जीरो लिख दिया। उसके बाद में ये मैं कॉलम बना देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये बना दिया मैंने कॉलम। अब यहाँ पे हंड्रेड है, हंड्रेड मतलब सैकड़ा, सैकड़े में क्या है हमारा फोर है ना, हंड्रेड में फोर है तो सैकड़े में क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। उसके बाद में थाउजेंड मतलब हजार में क्या है, नाइन, तो यहाँ पे लिख दिया हमने नाइन। उसके बाद में टेन थाउजेंड मतलब दस हजार में क्या है, टू, तो लिख दिया यहाँ पे टू। उसके बाद में लाख में फोर है मतलब लाख में चार है, और बाद में टेन लाख में नाइन है मतलब दस लाख में नाइन है, हो गया ये। तो चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम जोड़ियां बना लेते हैं टेंस और यूनिट की, उसके बाद में टेन थाउजेंड और थाउजेंड की, और उसके बाद में टेन लैक्स और लैक की, ये जोड़ियां बन गई। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे नाइन और फोर है, नाइन और फोर को हम क्या पढ़ते हैं, नाइन्टी फोर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाइन्टी फोर। अब नाइन्टी फोर जो है वो किसका है, लैक का है, तो यहाँ पे आ जाएगा लैक, समझ में आया, लैक का हमारा फिनिश हो गया। अब आते हैं हम थाउजेंड पे, यहाँ पे टू है, यहाँ पे नाइन है, टू पे लिखेंगे ट्वेंटी नाइन। अभी ट्वेंटी नाइन किसका है, थाउजेंड का है, तो यहाँ पे आ जाएगा थाउजेंड, हो गया, थाउजेंड का भी खत्म, इसको भी भूल जाओ। अब आते हैं हंड्रेड पे, हंड्रेड में कितना दिया है, फोर, मतलब कितना हो जाएगा, फोर हंड्रेड, राइट, बाद क्या लगता है एंड, यहाँ पे हो गया एंड। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, टेंस और यूनिट में हमारा क्या दिया है, जीरो और एट, तो जीरो एट मिलके क्या हो जाता है, एट, लास्ट में लिख देंगे हम एट, समझ में आया। तो ये क्या हो गया हमारा, नाइन्टी फोर लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट, हो गया ये, समझ में आया सभी को। अभी इसे हम हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में चलो पढ़ते हैं इसे। यहाँ पे नाइन है, यहाँ पे फोर है, नाइन्टी फोर मतलब चौरानबे, चौरानबे लिखेंगे यहाँ पे, चौरानबे। अभी चौरानबे किसका है, लाख का है, तो उसके आगे आ जाएगा लाख, चौरानवे लाख संख्या हो गई। अब लाख की संख्या को भूल जाते हैं, अब आते हैं हजार की संख्या पे। हजार में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे नौ है, दो और नौ मिलकर कितना हो जाएगा, उन्तीस है ना, उन्तीस, उन्तीस के आगे ये किसका है, हजार का है, तो उसके आगे लग जाएगा हजार, तो क्या हो जाएगा ये, उन्तीस हजार। हजार भी अब खत्म हो चुका है। अब आते हैं सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है सौ, और सैकड़े में कौन सा संख्या है, चार, तो कितना हो जाएगा, चार सौ। चलो सैकड़ा भी हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं दहाई इकाई पे, दहाई में कुछ नहीं है और इकाई में आठ है, तो क्या हो जाएगा वो, आठ, तो लिख देंगे यहाँ पे आठ, समझ में आया सभी को। ये हो गया हमारा हिंदी में भी। अभी आगे की भी सेम वैसे ही है, मैं यहाँ पे एक आपको बता देती हूँ, चलिए देख लेते हैं नागपुर का। नागपुर में कितने दिए गए हैं, और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए आप लोग कि जब ये आप लास्ट में नंबर लिख दोगे ना, उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे रुपीस, मतलब रुपए, आपको दिखाया गया है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये रुपए का साइन दिखाया गया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर नंबर के आगे इस तरह से रुपीज लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे आठ के बाद क्या हो जाएगा, रुपए, मतलब इतने रुपए वो दिखा रहा है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर आपको दिया गया है, ये नंबर क्या है, इतने रुपए दिखा रहा है, वो हमको लिख दिया हमने। अभी नागपुर में
नागपुर का जो नंबर दिया गया वो इस तरह से है। यहाँ पे भी रुपीस दिया हुआ है, मतलब इसका भी जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, रुपए में ही करेंगे। तो चलिए अपना लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे, यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख और टेन लाख, ये बन गया हमारा कॉलम। इकाई दहाई, यहां पे हो जाएगा सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख और यहां पे हो जाएगा हमारा दस लाख, हो गया। चलिए अभी नंबर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अभी यूनिट मतलब इकाई में कौन सी संख्या है, जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा जीरो। टेंस मतलब दहाई में कौन सी संख्या है, सात, यहाँ पे आ जाएगा सात। उसके बाद में सैकड़ा मतलब हंड्रेड, हंड्रेड पे कौन सा नंबर है, फाइव, यहाँ पे आ जाएगा फाइव। उसके बाद में थाउजेंड मतलब हजार, हजार पे कौन सी संख्या है, तीन, यहाँ पे आ जाएगा तीन। उसके बाद में टेन थाउजेंड मतलब दस हजार, दस हजार पे कौन सा संख्या है, पांच, मतलब यहाँ पे आ जाएगा फाइव। उसके बाद में लाख, लाख पे है सिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स लाख पे। और दस लाख पे कितना है, फोर, मतलब टेन लाख पे फोर है। ये हमने नंबर को उनकी जगह पे लगा दिया। तो चलिए अब इसे हम क्या करते हैं, वर्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ी बना लेते हैं, किसकी किसकी जोड़ी बनेगी, टेंस यूनिट की, उसके बाद में टेन थाउजेंड और थाउजेंड की, और बाद में टेन लाख और लाख की। तो चलिए सबसे पहले हम टेन लाख और लाख की जोड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे फोर है, सिक्स है, फोर सिक्स को हम क्या लिखते हैं, फोर्टी सिक्स, लिखे हम फोर्टी सिक्स। अब ये फोर्टी सिक्स किसका है, लाख का है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, लाख, हो गया हमारा फोर्टी सिक्स लाख। अब लाख का नंबर हो गया, इसे आप भूल जाओ, आते हैं आप थाउजेंड पे। थाउजेंड में क्या है, फाइव और थ्री है, तो फाइव थ्री कितना होता है, फिफ्टी थ्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिफ्टी थ्री। फिफ्टी थ्री के ये किसका नंबर है, थाउजेंड का है, तो उसके आगे क्या आ जाएगा, थाउजेंड, हो गया फिफ्टी थ्री थाउजेंड। अब थाउजेंड वाली संख्या भी हमारी खत्म हो गई, थाउजेंड वाला नंबर भी खत्म हो गया है। अब आते हैं हंड्रेड पे, हंड्रेड में क्या दिया हुआ है, फाइव, तो कितना हो जाएगा, फाइव हंड्रेड, और हंड्रेड के बाद हमेशा क्या लगता है, एंड लगा दिया मैंने एंड। अब फाइव हंड्रेड के बाद हमारा टेंस और यूनिट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करके पढ़ेंगे। तो टेंस में सेवन है और यूनिट में जीरो है, सेवन जीरो को हम क्या पढ़ते हैं, सेवनटी, तो हम उसे लिख देंगे सेवनटी। समझ में आया सभी को, चलिए इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे 10 लाख में चार नंबर दिया गया है और लाख में छह है, तो चार और छह को हम क्या पढ़ते हैं, छियालीस, लिखेंगे छियालीस। अब ये छियालीस किसका है, लाख का नंबर है, तो उसे लिख देंगे आगे लाख, ये हो गया छियालीस लाख। अब लाख वाली संख्या हमारी खत्म हो गई, अब आते हैं हजार वाली संख्या पे। हजार वाली संख्या में यहाँ पे पांच दिया है और यहाँ पे तीन दिया है, तो इसे क्या पढ़ते हैं, पांच और तीन को त्रेपन, तो यहाँ पे लिख देंगे तिरपन। तिरपन ये कौन सा नंबर है, हजार का नंबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हजार। पांच और तीन क्या होता है हमारा, तिरपन, तो हो गया हमारा तिरपन हजार, हो गया ये। अब हजार की संख्या भी हमारी खत्म हो गई, अब आते हैं सैकड़े पे। सैकड़े में कितना दिया है, पांच, सैकड़ा मतलब होता है सौ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा पांच सौ, हो गया। सौ वाली संख्या भी हमारी खत्म हो गई। अब देखते हैं दहाई और इकाई, दहाई इकाई को मिला के पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे सात है, यहाँ पे जीरो है, तो सात और जीरो मिलके क्या आते हैं, सत्तर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा सत्तर। समझ में आया सभी को, तो ये हमारा जो सेकेंड वाला है, और यहाँ पे हमने क्या, यहाँ और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रुपीज, भूलना नहीं आप लोग, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रुपए, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो हमारा दूसरा सवाल है, ये भी इसमें मैंने आपको दो बता दिए हैं, बाकी के भी सेम क्या है वैसे ही है, सबके आगे देखो रुपीस लगा हुआ है, तो आपको रुपीस मतलब रुपए लिखना जरूरी है, भूलना नहीं है आपको। तो हमारा ये प्रॉब्लम सेट फोर यहीं पे खत्म होता है, ये भी था ना बहुत इजी, जैसे हमने प्रॉब्लम सेट थ्री किया था उसी तरह से हमने इसे भी सॉल्व कर लिया है। तो बाकी के इसमें, इसमें और इसमें जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको होमवर्क करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।
अगले प्रॉब्लम सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।